हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल मैन वाल मित्र करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने बात करी एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, स्ट्रेटेजी थी स्ट्रेडल के ऊपर। तो स्ट्रेडल में आप सभी जानते हैं कि दोनों तरफ की कॉल और पुट हमें बाय करनी होती है। तो जब हम बाय करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो दोनों जगह हमें प्रीमियम देना है, और जब दोनों जगह हमें प्रीमियम देना है तो वो चीज जो है थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। कॉस्टली होने के कारण दोस्तों उसमें एक नुकसान आपको क्या हो जाता है कि इतना मूवमेंट आना थोड़ा सा टिपिकल है। जैसे हमने बात करी थी कि भैया प्रॉफिट आने के चांसेस हमेशा कम रहते हैं, तो बहुत ही वोलेटाइल्ड मार्केट चाहिए, बहुत ही ट्रेंडिंग में मार्केट चाहिए, तब जाकर के स्ट्रेडल काम करता है और आप मुनाफा कमा पाते, अदरवाइज नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वो था दोस्तों वॉलेटिलिटी के ऊपर, भैया मार्केट ऊपर जाएगा तेजी आएगी या नीचे जाएगा मंदी आएगी तेजी से तो मुनाफा आएगा। लेकिन आज जिस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे उसमें आपको मूवमेंट ही नहीं चाहिए। जहां से जिस स्ट्राइक प्राइस से आपने ट्रेड इनिशिएट करा है, मार्केट उसी स्ट्राइक प्राइस पे रहना चाहिए तो आपको मुनाफा आ जाएगा, दैट्स इट। तो देखिए, ऑप्शन आपके पास है, आप वॉलेटिलिटी को जज कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप ये जज कर पाते हैं कि मार्केट में कोई रुझान नहीं आने वाला आने वाले कुछ दिनों में, तब भी आप स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। तो हर तरीके की स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, लेकिन मार्केट को थोड़ा बहुत एनालाइज करना ही होगा, थोड़ा बहुत जजमेंट तो आपको लेना ही होगा कि बाजार आने वाले दिनों में क्या कर सकता है, क्योंकि भैया श्योर कुछ भी नहीं होता। आप अगर श्योर किसी स्ट्रेटेजी के बारे में ढूंढने जाएंगे कि भैया कुछ श्योर मिल जाए, तो आपको आर्बिट्रेज जो एक स्ट्रेटेजी है वो मिल सकती है, लेकिन उसका रिटर्न इतना कम होता है, इतना कम होता है, इससे अच्छा तो पैसे को इन्वेस्टमेंट करके ही छोड़ दो, वहां ज्यादा मिल जाएगा, राइट। चलिए अब बात कर लेते कि भैया ये स्ट्रेटेजी है ये किस तरीके से काम करती है। दोस्तों, स्ट्रेटेजी का नाम है शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई। ये शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई क्या है, चलिए समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक स्ट्राइक प्राइस है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कोई स्टॉक, कोई कमोडिटी, कोई करेंसी, कोई भी चीज जो ट्रेड हो रही है 100 रुपीज पे, राइट। 100 रुपीज पे ये ट्रेड हो रही है, और आपका जो मार्केट का व्यू है, आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो रुझान है ये चौपी रहेगा, मार्केट एक रेंज बाउंड में ही काम करता हुआ दिखेगा, ना तो ज्यादा ऊपर की तरफ ना ज्यादा नीचे की तरफ, इस 100 रुपए के आसपास ही मार्केट का रुझान रहने वाला है जब तक कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है, ऑप्शन का जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो ये जब आप जजमेंट कर लेंगे तो ही ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। देखिए, मूवमेंट कहीं भी चली गई ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तेजी से, तो आपको लॉस होना पक्का है। तो आपको प्रॉफिट कमाना है, मुनाफा कमाना है, तो यही जज करना है कि मार्केट का रुझान जो है आने वाले जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी तक आपका जो रुझान है वो उसके आसपास ही रहेगा। चलिए, आपने ये जजमेंट कर ली, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, मार्केट यहीं पर रुकने वाला है, तो 100 रुपए पे आप क्या करेंगे, आप एक कॉल को सेल कर देंगे और एक पुट को सेल कर देंगे। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, एक कॉल को सेल कर देंगे, एक पुट को सेल कर देंगे। जब दोनों चीजें आपने सेल कर दी तो दोनों जगह से आपको क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा, राइट। प्रीमियम फिक्स्ड होगा जो आपको मिलेगा। मान लेते हैं भैया जो आपने कॉल सेल करी उस पर 10 रुपए प्रीमियम मिला, जो आपने पुट सेल करा उस पर भी आपको 10 रुपए प्रीमियम मिला, यानी टोटल आपका जो मुनाफा हुआ वो 20 रुपीज हुआ, राइट। अब ये जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, आप ये मत सोचिए भैया 20% की वोलेटिलिटी तो नहीं आएगी, हो नहीं सकता, एग्जाम्पल गलत लिया है, फिकर मत करिए। आपको निफ्टी का या बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेंज जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा दोनों में से कोई एक, ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि स्ट्रेटेजी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सके। एग्जाम्पल एक बार समझ लेते हैं, तो 20 रुपए दोस्तों आपको क्या मिला, प्रीमियम मिल रहा है। अभी जो दोस्तों 20 रुपए प्रीमियम मिल रहा है, अगर बाजार भैया 100 रुपए के आसपास ही रहा या 100 रुपए ही रहा एक्सपायरी तक, तो आपको नेट 20 रुपए मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर वो 100 रुपए से 120 को क्रॉस करके ऊपर चले जाता है तो आपको लॉस आना पक्का हो गया, क्योंकि यहां तो आपको अनलिमिटेड लॉस है जब आप सेल करते हैं, तो यहां पर आपको लॉस कितना भी आ सकता है। तो दोनों तरफ जो मूवमेंट है भाई, या तो वो 120 से ऊपर चले जाए तो लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा, या वो 80 से नीचे चले जाए, डाउन हो जाए, तो भी आपको लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी दोनों कंडीशन में आपको लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस लॉस से बचने के लिए, देखिए अनलिमिटेड लॉस कोई फायदे का सौदा नहीं होता कभी भी, तो अनलिमिटेड लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो 80 का लेवल है, 80 का लेवल है जब बाजार नीचे गिर रहा है, राइट, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे,
बाजार का एक पुट बाय कर लेंगे, राइट, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, जब मार्केट 100 रुपीज पर है और जब 100 आप 80 रुपए का पुट बाय कर रहे थे, वो सस्ता मिलेगा, राइट। तो मान लेते हैं इसकी कॉस्टिंग 2 रुपीज आई और ठीक अपोजिट साइड भी हम 120 रुपए से ऊपर, 120 रुपए पे हम क्या करेंगे, हम एक कॉल को बाय कर लेंगे। जब हमने दोनों कंडीशन कर ली तो दोनों जगह हमें सस्ते ही मिलेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, एक इन द मनी है, एक आउट द मनी है, और ये दोनों सस्ते ही मिल रहे क्योंकि अपोजिट साइड की डायरेक्शन हम ले रहे हैं। आप फिक्र मत करिए, ऑप्शन चैन में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो जब हमने दोनों कंडीशन में हमने क्या करा, 2-2 रुपए का हमने बाय कर लिया, तो 4 रुपए हमारी कॉस्टिंग आई, मिलना था कितना, 20 रुपए, 4 रुपए को 20 रुपए से माइनस कर दो, 16 रुपीज, यानी अब आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 16 रुपए है और जो मैक्सिमम लॉस है वो 4 रुपीज है। 4 रुपीज कैसे, अगर मार्केट 120 रुपए पे मान लेते हैं कि एक्सपायरी कर गया, तो 120 रुपए पे जब एक्सपायरी वो कर गया तो आपको 20 रुपए का नुकसान हुआ और मिलने कितने थे, 16 रुपए, यानी 4 रुपए का नुकसान। अगर वो 120 से ऊपर जाएगा तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपने एक कॉल को बाय कर रखा है 120 रुपए के ऊपर, जितना भी वो ऊपर जाएगा वो कॉल आपकी गेन कर रही है। अगर वो 80 रुपए पे आता है तब भी आपको 4 रुपए का नुकसान होगा, अगर वो 80 रुपए से नीचे जाता है तो बेफिक्र रहिए, नुकसान सीमित ही रहेगा क्योंकि वहां पर आपने एक पुट बाय कर रखा है, जितना भी नीचे जाएगा उतना गेन आपको मिल जाएगा। और ठीक अगर हम बात करें कि वो 100 रुपए पे ही रहता है तो आपको टोटल 16 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। तो ये दोस्तों स्ट्रेटेजी है, थोड़ी सी टिपिकल है क्योंकि यहां पर हमें कॉल और पुट को सेल भी करना है और कॉल और पुट को बाय भी करना है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। अब दोस्तों अगर इसको अच्छे से समझना है आपको, बहुत क्लियरली समझना है, तो हम एक बार स्क्रीन पे आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन दिखाना चाहते हैं, आप उसको एक बार वॉच करिए, आपको पूरी कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों स्क्रीन पर हम आ गए हैं, एनएससी की वेबसाइट हमने ओपन कर ली है और अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है ये, और जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 28,570 के आसपास, और अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो एक्सपायरी है यहाँ पर 23 मई 2019। तो इसको हम कंसीडर करेंगे, देखेंगे भैया जो शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी है ये किस तरीके से इसके ऊपर बिल्ड की जा सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ध्यान दें दोस्तों तो यहाँ पर आपको नीचे जो 28,600 का जो स्ट्राइक प्राइस है भाई, यही एट द मनी प्राइस चल रहा है, और हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ दिनों में बाजार इसके आसपास ही क्लोजिंग दे सकता है, हमने ये मान लिया है। चलिए हमने ये मान लिया है कि बाजार यहीं पर कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे सकता है, तो ये हमने लेवल नोट कर लिया है 28,600 का। तो हम इसी लेवल पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जो हमारा पुट है वो तकरीबन 700 रुपए के आसपास चल रहा है प्रीमियम, और अगर हम कॉल की बात करें तो उसका भी कुछ यहीं पर ही चल रहा है, तो राउंड फिगर में 700 मान लेते हैं। हम यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे, सेल कर देंगे। जब दोनों को सेल करेंगे तो आपको प्रीमियम मिलेगा 700 यहाँ से, 700 यहाँ से, टोटल कितना हो गया 1400 रुपए। तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं 1400 का लेवल ताकि आपको आसानी रहे। चलिए 1400 रुपए हमें क्या मिलेगा, नेट प्रीमियम मिलेगा। अब दोस्तों आपको लॉस तब होगा इस स्ट्रेटेजी में जब मार्केट 1400 से ज्यादा नीचे चले जाए या 1400 से ज्यादा ऊपर चले जाए, तब जाकर के आपको लॉस आना स्टार्ट होगा। अदरवाइज 1400 के अंडर में मार्केट कहीं भी क्लोज होता है तो आप प्रॉफिट में निकल जाएंगे। अब बात यह कर लेते हैं कि हम इस लॉस को लिमिटेड कैसे कर सकते हैं भाई। 1400 जरूरी नहीं कि बाजार 1400 के लेवल तक जाए, बाजार 3000 पॉइंट गिर गया, 4000 पॉइंट्स गिर गया या ऊपर चला गया तो बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, यानी लॉस आपका यहाँ अनलिमिटेड हो सकता है। तो इस अनलिमिटेड लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है भैया, जो ऊपर का लेवल है मान लेते हैं ये 29,300 का जो लेवल है ये अच्छा लेवल लग रहा है, इस लेवल पर आकर के हम क्या कर सकते हैं, एक कॉल को बाय कर सकते हैं। जब हम कॉल को बाय करेंगे उससे फायदा क्या होगा, आपका बाजार अगर 29,300 से और ऊपर चले जाता है तो यहाँ पर जो कॉल बाय करी है वो उसको प्रोटेक्ट कर लेगी और यहाँ से आपको मुनाफा देना स्टार्ट कर देगी, यानी जो आपका लॉस अब अनलिमिटेड था वो अब लिमिटेड हो गया भाई, इससे ज्यादा लॉस आपको नहीं आ सकता। ठीक, अगर हम अपोजिट साइड की बात करें तो अपोजिट साइड की डायरेक्शन भी आप ले सकते हैं भाई, इतने पॉइंट्स ऊपर ले लीजिए 27,900 के आसपास, आप क्या करेंगे एक अपने पुट को बाय कर लेंगे ताकि जो आपका लॉस है वो लिमिटेड हो गया, बाजार इससे नीचे जितना भी जाएगा ये गेन करना स्टार्ट कर देंगे और आपका जो लॉस है वो लिमिटेड हो गया, वो अनलिमिटेड सर के लिमिटेड हो गया। अब जब दोनों आपने बाय करे तो दोनों जगह आपको क्या करना है, प्रीमियम पे करना है। जब आप प्रीमियम पे करेंगे तो यहाँ प्रीमियम एक बार नोट कर लेते हैं,
दोनों का प्रीमियम यहाँ एक बार नोट कर लेते हैं कि कितना बनता है। तो भैया यहाँ हम मान लेते हैं 390 माइनस करते हैं 390, चलिए, और माइनस कर लेते हैं इसमें 445, चलिए, तो अप्रोक्स आप 550 मान लीजिए राउंड फिगर में, यानी आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो 550 रुपए का आएगा। अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आपके प्रॉफिट लॉस कैसे चेंज होंगे उसको एक बार वॉच कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मार्केट दोस्तों यहीं क्लोजिंग देता है, बिल्कुल यहीं 28,600 पर, तो आपको स्ट्रेट वे जो पूरा पूरा प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा, पूरा प्रॉफिट यानी मैक्सिमाइज प्रॉफिट आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग देता है तो आपके 550 रुपए में से 200 पॉइंट कम हो जाएंगे और ये आपका बन जाएगा 350 का लेवल, ठीक। और 200 पॉइंट नीचे कम देता है तो अगर हम मान लेते हैं ये 150 का लेवल, और ठीक और 200 पॉइंट नीचे देता है तो 50 रुपए का लॉस हो जाएगा, और ठीक अगर ये 27,900 पे क्लोजिंग देता है तो आपको 150 रुपए का लॉस होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 550 रुपए का आएगा और मैक्सिमम लॉस आपको 150 रुपए का आएगा, वो भी 27,900 पे जब क्लोजिंग देगा। उससे ऊपर जितनी भी क्लोजिंग देगा, जो आपने यहाँ पुट जो है बाय करा था, वो प्रॉफिट गेन करना स्टार्ट कर देगा, यानी इससे ऊपर 150 रुपए से ऊपर लॉस हो ही नहीं सकता, राइट। ठीक, अगर हम अपोजिट साइड की बात करें तो यही कंडीशन यहाँ भी है, बाजार अगर और ऊपर जाता है तो उतना ही प्रॉफिट आपका कम होता चले जाएगा, 350, फिर यहाँ पर आपका प्रॉफिट फिर हो जाएगा 150 रुपए, और अगर हम बात करें फिर और नीचे की, और 200 पॉइंट नीचे की, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 50, और अगर हम बात करें और नीचे की तो यहाँ माइनस हो जाएगा 150, यानी 150 रुपये से ज़्यादा यहाँ भी आपको क्या होगा, लॉस नहीं आ सकता। यानी दोनों कंडीशन में मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 550 है, और जितना बाजार दूर जाएगा जहाँ से आपने स्ट्रेटजी बिल्ड करी थी उतना आपका लॉस बढ़ता चले जाएगा। मैक्सिमम लॉस 150 है, मैक्सिमम प्रॉफिट 550 है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो स्ट्रेटजी है, एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी है, जहां से आपने ट्रेड लिया बाजार अगर उतना ही रहता है वहीं से आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पर हम बाजार को ज्यादा वॉलेटाइल्ड बाजार को ट्रेड नहीं कर सकते, आपको ऐसी कंडीशन वॉच करनी होती है बाजार की जो फंसा हुआ कंडीशन हो, रेंज बाउंड कंडीशन हो, बाजार कुछ कर ना रहो, ऐसी कंडीशन में ही ये स्ट्रैटेजी जो है काम करेगी। तो उम्मीद है आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो जरूर पूछिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।